हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम डीसी सर्किट एंड इट्स लॉज यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर तक हमने किरचॉफ के नियमों और उनके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग प्रतिरोध के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जब भी हम लोग प्रतिरोध के संयोजन की बात करते हैं तो प्रतिरोध के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए ना, हम लोग क्या करते हैं, कई बार किसी नियत परिपथ के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रतिरोध के मान को प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को कनेक्ट तो कर दिया, पर हमें उनके तुल्य प्रतिरोध के मान को भी ज्ञात करना रहता है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए हमें ये चीज ज्ञात होनी चाहिए कि वो जो प्रतिरोध हमने परिपथ के अंदर संयोजित किए हैं उनको कैसे हमें सॉल्व करना है और किस प्रकार से वो संयोजित हैं। ठीक है, अब इन संयोजनों की बात करते हैं तो जो प्रतिरोध के संयोजन रहते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार से संयोजन किए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए संयोजन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो जो पहला संयोजन रहता है वो रहता है श्रेणी संयोजन। क्या रहता है? श्रेणी संयोजन। दूसरा जो संयोजन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर, समानांतर संयोजन। और जो तीसरा संयोजन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र संयोजन। ठीक है, और अब देखिए इन तीनों की अगर अपन बात करते हैं, जैसे श्रेणी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो श्रेणी रहता है उसको इंग्लिश के अंदर अपन सीरीज कनेक्शन के नाम से जानते हैं, समानांतर को हम लोग इंग्लिश के अंदर पैरेलल कनेक्शन के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा संयोजन रहता है जिसको हम लोग मिश्र संयोजन बोल रहे हैं इसको इंग्लिश के अंदर हम लोग मिक्स्ड कनेक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो तीसरे प्रकार का संयोजन है इसे हम लोग मिश्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के संयोजन के अंदर ये जो दोनों प्रकार के संयोजन हम लोग पढ़ेंगे जैसे श्रेणी और समांतर, इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा इस मिश्र संयोजन के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग इनको एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमें पढ़ना है उसका नाम है श्रेणी परिपथ या फिर श्रेणी संयोजन। देखिए जब भी हम लोग श्रेणी संयोजन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को क्या करते हैं, जैसे हम लोग दो या दो से अधिक प्रतिरोध मिलते हैं, देखिए ना, तो उसको हमें समझने के लिए और ज्यादा सरलता रहेगी। जैसे अगर हमने दो या दो से अधिक, जैसे हमने तीन प्रतिरोधों को ले लिया। ठीक है, और देखिए जब भी हम लोग श्रेणी संयोजन की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी दिए गए प्रतिरोध है ना, इन दिए गए प्रतिरोधों के एक सिरे को दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से कनेक्ट करते हैं। किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, जैसे ये तीन प्रतिरोध दिए गए हैं तो इन तीन प्रतिरोधों के हम लोग दोनों सिरों को कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, कैसे, ये जो प्रतिरोध है इसका पहला सिरा ये रहा और दूसरा सिरा ये रहा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इस प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा और ये इस प्रतिरोध का अंतिम सिरा। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा ये रहा और अंतिम सिरा ये रहा, और इस प्रतिरोध का जैसे प्रारंभिक सिरा ये रहा और अंतिम सिरा ये रहा। ठीक है, तो अब जब भी हम लोग इन प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इन प्रतिरोधों के में से जो पहला प्रतिरोध रहेगा, जैसे एक प्रतिरोध रहेगा, उस प्रतिरोध के अंतिम सिरों को दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से क्या कर देंगे, संयोजित कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए इस प्रकार से हम लोग संयोजित करते हैं। इसी प्रकार से आगे हम लोग क्या करते हैं, ये जो दूसरा प्रतिरोध है इसके अंतिम सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से संयोजित कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग इनको कंबाइंड रूप से सप्लाई दे देंगे, जैसे वी वोल्ट हमने इसको प्रदान कर दी। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई भी प्रतिरोध संयोजित है तो इस प्रकार के प्रतिरोधों को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी संयोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इनकी परिभाषा की बात करते हैं तो श्रेणी परिपथ या फिर श्रेणी संयोजन की परिभाषा क्या रहती है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से कनेक्टेड रहे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, जैसे लिख लेते हैं इसको, इनमें 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 क्या रहता है, इनमें एक प्रतिरोध प्रतिरोध का अंतिम सिरा
सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से संयोजित या कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ना, जब भी हम लोग इस प्रतिरोध के परिपथ की बात करते हैं, जैसे इसको अगर हम लोग वापस से ड्रॉ करते हैं एक बार के लिए, तो देखिए ना, जब भी हम लोग इस प्रकार के प्रतिरोध के परिपथ की बात करते हैं, तो ये जो प्रतिरोध का परिपथ रहेगा ऐसे बनाया मैंने, देखिए ना, जैसे यहाँ पे अपन ने एक वोल्टा स्रोत को कनेक्ट कर लिया इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए ये अगर परिपथ अगर आप देखोगे तो इस परिपथ के अंदर, क्योंकि एक वोल्टा स्रोत कनेक्टेड है और तीन प्रतिरोध कनेक्टेड है और ये सर्किट पूर्ण है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक धारा प्रवाहित होगी जिसको जैसे अपन ने आई से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, ये जो वोल्टा स्रोत है इसकी वोल्टेज को अगर हमने वी बोल दिया और यहाँ पे जो प्रतिरोध है इसको आर वन बोल दिया, इसको आर टू बोल दिया और इसको आर थ्री बोल दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे नोट कर पाएंगे, देखिए ना, ये जो वोल्टा स्रोत है, इस वोल्टा स्रोत से जो भी धारा निकल रही है ना, वो धारा के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है इस परिपथ के अंदर। मतलब कैसे, देखिए ये जो धारा रहेगी, ये धारा यहाँ से इस प्रतिरोध के अंदर जाएगी और यही धारा इस प्रतिरोध के अंदर जाएगी, यही धारा इस प्रतिरोध के अंदर जाएगी और इस तरीके से यहाँ से होते हुए ये स्रोत के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर चले जाएगी। ठीक है, तो आप क्या देख पाओगे, ये जो धारा है ना, ये धारा के लिए सिर्फ इस परिपथ के अंदर एक ही रास्ता है। ठीक है, अब अगर ये जो धारा है, इस धारा के लिए कोई अलग से रास्ता नहीं है, तो ये जो धारा है वो दो भागों के अंदर बंटने के लिए पॉसिबल ही नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या रहेगा, ये जो धारा है, ये धारा तीनों के तीनों प्रतिरोध के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट और आता है कि जब भी हम लोग श्रेणी परिपथ की बात करते हैं तो यहाँ पे समस्त प्रतिरोधों के अंदर या समस्त अवयवों के अंदर क्या रहता है, धारा समान रहती है। क्या रहती है, मैं बोल रहा हूँ, धारा समान रहती है। ठीक है, समान रहती है। ठीक है, ये इसका दूसरा इसका नियम आ जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो देखिए ना, जब भी आप इस वोल्टा स्रोत को, मैंने वापस बोला कि भाई ये कनेक्ट किया, ये तीन प्रतिरोध किए कनेक्ट किए और यहाँ से धारा प्रवाहित हुई, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो वोल्टा, ये जो प्रतिरोध है, इस वोल्ट प्रतिरोध के अंदर एक वोल्टा पात होगा और वो कितना होगा, होगा आई गुणा आर वन के बराबर। ये चीज हम लोग पहले किरचॉफ के नियमों के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग आर टू के अंदर वोल्टापात की बात करोगे, तो यहाँ पे आई गुणा आर टू रहेगी वोल्टापात, और यहाँ पे जो वोल्टापात की बात करोगे, तो यहाँ पे जो वोल्टापात रहेगा वो आई गुणा आर थ्री रहेगा। ठीक है, तो आप क्या देख पाओगे कि ये जो वोल्टा है, ये वोल्टता एक प्रकार से इन तीनों प्रतिरोधों के अंदर क्या हो गई है, पट गई है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो तीन प्रतिरोध या तीन से अधिक जितने भी प्रतिरोध है उनके अंदर जो कुल वोल्टता रहती है वो क्या हो जाती है, बट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि वोल्टता स्रोत की वोल्टता, क्या लिख सकते हैं, वोल्टता स्रोत की वोल्टेज की वोल्टता प्रतिरोधों में वोल्टता पात के रूप में पात के रूप में बट जाती है। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या आ गया, देखिए ना, हमने क्या करा, देखिए पहला पॉइंट तो ये था कि भाई जब भी आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित करोगे तो कैसे करोगे, हम लोग क्या करते हैं, एक प्रतिरोध के अंतिम सिरे को
दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि भाई अगर आप श्रेणी प्रतिरोध के प्रतिपथ की बात करोगे तो यहाँ पे जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उनके अंदर धारा क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, तीसरी चीज हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो वोल्टा स्रोत की जो वोल्टेज रहती है वो वोल्टेज वोल्टापात के रूप में अलग अलग प्रतिरोधों के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब भी अगर आप वोल्टापात की बात करोगे तो एक प्रतिरोध का वोल्टापात दूसरे प्रतिरोध के वोल्टापात से हमेशा भिन्न रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि ये जो प्रतिरोध आपने R1 लिया है वो प्रतिरोध इस R2 के बराबर रहे। ठीक है, तो इस सिर्फ और सिर्फ इस कारण से ये जो वोल्टा रहेगी वो अलग अलग रहेगी। क्यों रहेगी, देखिए मैंने क्या बताया कि ये जो प्रतिरोध है ये तीनों के तीनों प्रतिरोध आपस में भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, अगर प्रतिरोध भिन्न है तो जो इनकी वोल्टापात है वो हम लोग कैसे लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं आई गुणा आर वन। ठीक है, दूसरे को लिख रहे हैं आई गुणा आर टू और तीसरे को हम लोग लिख रहे हैं आई गुणा आर थ्री। तो अगर बाई चांस इनके प्रतिरोधों का मान भिन्न रहेगा तो इनकी जो वोल्टापात रहेगी वो भी क्या रहेगी, भिन्न रहेगी। ठीक है, अब देखिए इस परिपथ को अगर हम लोग वापस से लेते हैं तो देखिए यहाँ पे एक एक हमें कमी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, देखिए अगर आपने इस प्रकार से परिपथ को संयोजित कर रखा है तो क्या होगा, किसी भी रूप से अगर कोई भी एक प्रतिरोध या फिर यहाँ पे जैसे अगर हम लोग लैंप कनेक्टेड करते, जैसे अगर हम लोग तीन बल्बों को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए तीन बल्ब हैं, तीनों के तीनों बल्ब क्या हो रहे हैं, जैसे ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों बल्ब कैसे कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित है। तो हम यहाँ पे हम लोग क्या देख पाएंगे कि ये तीनों के तीनों जो बल्ब है ना, ये तीनों के तीनों बल्ब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। किस रूप से, देखिए क्या हो सकता है कि कई बार एक बल्ब फ्यूज हो सकता है, अगर बाई चांस ये बल्ब फ्यूज हो जाता है, फ्यूज का मतलब क्या होता है कि भाई इसका जो एलिमेंट है वो क्या हो गया, एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से, देखिए जैसे ही ये फ्यूज ये जो बल्ब है फ्यूज हुआ और इसका एलिमेंट क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ, तो ये दोनों के दोनों जो लैंप रहेंगे उनको जो वोल्टा स्रोत है इसका एक सिरा मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, पर अपने को क्या पता है कि जब भी हम लोग लैंप को या किसी भी अवयव को चलाते हैं या चलाते हैं तो हमें वोल्टा स्रोत के दोनों सिरे उसको चलाने के लिए चाहिए होते हैं। दोनों सिरों का मतलब अगर आप एसी की बात कर रहे हो तो यहाँ वहाँ पे फेज और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता रहती है, और डीसी की अगर आप बात कर रहे हो तो प्लस और माइनस दोनों की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्राप्त करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि भाई अगर बाई चांस आपने श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोधों को या फिर किन्हीं भी अवयवों को कनेक्ट कर दिया तो एक अगर बाई चांस प्रतिरोध या अवयव खराब होता है तो सभी के सभी बंद अवयव बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक और पॉइंट यहाँ से आता है कि अगर बाई चांस आप जैसे मशीनरी यहाँ पे श्रेणी क्रम के अंदर कनेक्टेड है और अगर आपको एक मशीनरी को बंद करना है तो आप क्या करोगे, उसको जैसे ही बंद करोगे तो सभी के सभी जो मशीनरीज या फिर लैम्प्स है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक को बंद करने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे स्विच लगाओगे और उस स्विच को क्या करोगे, एक तरीके से डिस्कनेक्ट करोगे, जैसे यहाँ से उसको डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट करते ये जैसे लैम्प तो बंद हो गया पर इसके साथ के साथ ये दोनों के दोनों लैम्प भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, क्या आता है कि अगर तीन मशीनरीज लगी हुई हैं पर तीनों में से किसी एक का भी अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो भी, जैसे इसके अंदर मेंटेनेंस करना है या अनुरक्षण करना है तो ये तीनों के तीनों मशीनरी को अपने को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, इस एक बिंदु को अगर हम लोग एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि यदि इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार के संयोजन में में यदि एक अवयव बोल लीजिए आप या प्रतिरोध बोल लीजिए, प्रतिरोध या अवयव खराब हो जाता है, या तो देखिए खराब हो जाएगा
या फिर क्या होगा उसमें अनुरक्षण करना हो या मेंटेनेंस करनी हो करनी हो तो समस्त अवयव बंद हो जाएंगे। ठीक है भाई, अवयव क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, देखिए ना ये कोई आवश्यक, ये जो श्रेणी और समांतर की जब भी हम लोग बात करते हैं ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप श्रेणी के अंदर प्रतिरोध का इस्तेमाल करो, और ये भी आवश्यक नहीं है कि भाई प्रतिरोध के जैसे लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, वहाँ पे कैपेसिटर भी इस्तेमाल कर सकते हो या किसी भी प्रकार के कोई भी उपकरण को इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे अवयव शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बातें रहती हैं इनके अंदर श्रेणी संयोजन के अंदर। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लोग ये संयोजन कर लिया हमने परिपथ के अंदर, तो हमें क्या करना रहेगा, इस प्रकार के संयोजन के अंदर हमें जो भी प्रतिरोध कनेक्ट किया है ना उस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है मैं वापस से उस परिपथ को यहाँ पे बनाता हूँ। तो हमने क्या देखा वहाँ पे, हमने ये चीज देखी कि भाई एक तो वोल्टता स्रोत था, एक सॉरी देखिए हमने क्या देखा, एक तो वोल्टता स्रोत था और वहां पे हमने तीन प्रतिरोधों को देखा। इस प्रकार से वो तीनों प्रतिरोध क्या थे, कनेक्टेड थे। ठीक है, ये जो तीन प्रतिरोध थे इन तीनों प्रतिरोधों के मान क्या थे, एक को हम लोग R1 बोल रहे थे, एक को R2 बोल रहे थे और एक को R3 बोल रहे थे। यहाँ पे जो सप्लाई है उसको V बोल रहे थे, यहाँ से जो धारा निकल रही थी उसको हम लोग I बोल रहे थे। ठीक है, और इस जगह पे हमने एक चीज और क्या देखी थी कि भाई ये जो प्रतिरोध है इसके अंदर जो वोल्टापात हो रहा है उसको हम लोग I गुणा R1 बोल रहे थे, इसको I गुणा R2 बोल रहे थे और इसको क्या बोल रहे थे, I गुणा R3 बोल रहे थे। ठीक है, अब देखिए अगर हमें इन प्रतिरोधों का मान यहाँ पे निकालना है, मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया गया परिपथ है इसके अंदर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे KVL का नियम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिए गए परिपथ में KVL लगाएंगे, है ना। तो KVL लगाने पर, ठीक है, देखिए जब भी हम लोग KVL लगाएंगे तो उससे पहले हमें क्या चीज ज्ञात होनी चाहिए, देखिए ना ये जो वोल्टता स्रोत है ये वोल्टता स्रोत से आई धारा निकली। ठीक है, तो अगर आप इस वोल्टेज का मान ज्ञात करना चाहो तो भाई क्या रहेगी, इस वोल्टेज का मान रहेगा V बराबर I गुणा इस वोल्टता स्रोत का क्या, प्रतिरोध का मान। ठीक है, तो अगर हम लोग वो जो वोल्टता स्रोत है उसके प्रतिरोध के मान को हम लोग आर टी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग इस प्रकार से इसको मान लेते हैं, तो अगर आप इस परिपथ को सॉल्व करोगे कैसे करोगे केवीएल के रूप में, तो हम लोग केवीएल लगाते हैं क्या चीज बोलेंगे, देखिए जब भी हम लोग केवीएल की बात करते हैं तो केवीएल क्या बोलता है, किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि दिए गए परिपथ में वोल्टता स्रोत का योग उस परिपथ में वोल्टता पात के योग के बराबर रहता है। ठीक है, तो अब जब भी आप यहाँ पे केवीएल लगाओगे तो केवीएल लगाने से पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लूप मानना पड़ेगा, जैसे ये हमने लूप मान लिया और इसकी दिशा इस प्रकार से हमने रख ली। ठीक है, तो इस लूप के अनुसार अगर आप वोल्टता स्रोत के योग की बात करते हो तो इस लूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टता स्रोत है। ठीक है, तो अगर आप वोल्टता स्रोत के योग की बात कर रहे हो तो वोल्टता स्रोत का योग क्या रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वी ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो वोल्टता स्रोत है ये प्लस में लेना है या माइनस में लेना है ये किस चीज से निश्चित होता है, इस चीज से निश्चित होता है कि आपने जो करंट की दिशा या धारा की दिशा ली है वो किस प्रकार से ली है। देखिए यहाँ पे जो धारा की दिशा है वो किस प्रकार से है, वो बैटरी के या वोल्टता स्रोत के प्लस टर्मिनल से निकल रही है, और जब भी वोल्टता स्रोत के प्लस टर्मिनल से सप्लाई निकलती है तब हम लोग इसको प्लस का वोल्टता स्रोत यानी प्लस का वी लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे और कोई वोल्टता स्रोत है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे बराबर के अंदर वोल्टता पात के योग की बात करेंगे।
ठीक है। तो वोल्टापात कौन कौन से हो गए, देखिए यहाँ पे I गुणा R1 एक वोल्टापात हो गया, देखिए ये रहा। दूसरा वोल्टापात क्या हो गया, I गुणा R2 हो गया, और तीसरा वोल्टापात क्या हो गया, I गुणा R3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनके प्लस लेना है या माइनस कैसे निश्चित होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो लूप की दिशा और ये जो धारा की दिशा, ये आगे जाके इस प्रकार से जाएगी, धारा की दिशा को और लूप की दिशा को क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो आप क्या देखोगे, ये जो लूप की दिशा और ये जो धारा की दिशा है, दोनों की दोनों कैसी है, सेम है। पर जब भी सेम रहती है तो हम लोग, दोनों दिशाएं सेम रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टापात को प्लस लेते हैं, ठीक है। तो इसको प्लस का आई गुना आर वन लिखेंगे, ये धारा यहाँ पे भी इसी दिशा के अंदर आएगी तो यहाँ पे भी ये प्लस होगा, ये धारा आगे जाने पे यहाँ पे भी इसी दिशा के अंदर रहेगी तो यहाँ पे भी ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस परिपथ के समीकरण को लिख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने जस्ट अभी बताया कि ये जो आपने वोल्टा स्रोत माना है उसकी वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग आई गुणा आर टी से। तो हम लोग इस चीज को अगर इस परिपथ के अंदर रिप्लेस करते हैं तो ये जो समीकरण है ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, आई गुणा आर टी बराबर आई गुणा आर वन प्लस आई गुणा आर टू प्लस आई गुणा आर थ्री, ठीक है। आप क्या देख पाओगे कि इस प्रकार इस साइड में ये आई और ये आई तीनों के अंदर क्या है, सेम है। तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, तो समीकरण क्या बच जाएगा हमारे पास, इस प्रकार से बच जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर रहेगा, ये आई गुणा आर टी के बराबर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख पाओगे कि ये जो आई है, इस आई से ये आई कैंसल आउट हो रहा है, यानी अपने पास फाइनल जो समीकरण रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जब भी आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित करते हो तो अगर आपको उसका टोटल प्रतिरोध निकालना है या फिर उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो आपको क्या करना रहेगा, उन तीनों के तीनों प्रतिरोधों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना रहेगा, ठीक है। तो हमने श्रेणी क्रम के श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या चीज देखी कि जब भी आप श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोधों को सॉल्व करते हो तो हमें क्या क्या चीज पता चलती है कि भाई श्रेणी क्रम के अंदर एक तो क्या करते हैं हम लोग, प्रतिरोध के एक सिरे को दूसरे से, जैसे प्रतिरोध एक प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई ये जो प्रतिरोध रहता है, इस प्रतिरोधों के अंदर अगर ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम के अंदर है तो इनके सब के अंदर जो धारा है उसका मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि यहाँ पे जो कुल वोल्टता रहती है वो वोल्टापात के रूप में सभी प्रतिरोधों के अंदर क्या हो जाती है, बट जाती है। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि यदि आपने श्रेणी क्रम के अंदर अवयवों को या प्रतिरोधों को जोड़ा है तो यदि एक प्रतिरोध या अवयव खराब होता है या फिर एक पे आपको मेंटेनेंस या अनुरक्षण करना है तो सभी के सभी जो प्रतिरोध या अवयव है सबके सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि भाई अगर बाई चांस आपने श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोधों को संयोजित कर रखा है तो उनके तुल्य मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, सीधा सीधा उन सभी के सभी प्रतिरोधों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो जो आज अपन ने डिस्कस किया है यानी श्रेणी प्रतिरोध के बारे में डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं समांतर प्रतिरोध के बारे में लेकर, ठीक है। उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव ए नाइस डे।